आज हमने बनाई है हरे मटर की स्वादिष्ट सब्जी, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल नए तरीके से। जी हाँ दोस्तों, आज हमने बनाई है पिसे मटर की सब्जी। तो चलिए इसकी रेसिपी हम आपके साथ शेयर करते हैं। स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस चैनल मम्मी की रसोई विद हरदीप कौर में। इसके लिए हमने जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो बहुत ही कॉमन है दोस्तों, हर किसी की रसोई में ईजीली अवेलेबल होते हैं। इसके लिए हमने आधा किलो मटर लिए हैं, हरे मटर जो इजीली अभी बाज़ार में अवेलेबल होते हैं, सीजनेबल सब्जी। इसमें हमने दो हरी मिर्च के टुकड़े डाले और इसे हम मिक्सर जार में मोटा मोटा पीस लेंगे। इस तरह से हमें इसे एकदम बारीक फाइन इसके नहीं पीसना है, हम इसे मोटा पीसेंगे। देखिए इस तरह से हम इसे फिर खाली कर लेंगे। हमें सारे मटर इसी तरह से मिक्सर जार में हम ग्राइंड कर लेंगे और फिर हम इसे एक बड़े बर्तन में खाली कर लेंगे। हमें थोड़े थोड़े करके सारे मटर इसी तरह से थोड़े हल्के मोटे पीसने हैं, एकदम हमें इसे फाइन नहीं पीसना है। आप मिक्सी ऑन ऑफ करके भी इसे इजीली पीस सकते हैं। दोस्तों ये सब्ज़ी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत आसान तरीके से और नए तरीके से बनी है, आपको ज़रूर पसंद आएगी। देखिए दोस्तों, हमने एक पैन लिया, उसमें हमने ऑयल डाला है और अब हम ऑयल को अच्छी तरह से फैला देंगे सारे पैन में। और इसके बाद हम हमारे जो पिसे हुए मटर हैं उसे पैन में डाल देंगे ताकि ये थोड़ी देर सॉटे हो जाए। हमें कुछ देर इन पिसे मटर को सॉटे करना है। हम इसे 5 से 7 मिनट धीमी आंच में सॉटे करेंगे। आप इसे लगातार चलाते रहिए ताकि ये नीचे से जले ना। देखिए दोस्तों, हमारे मटर लगभग सॉटे हो चुके हैं और इनका कलर भी चेंज हो गया है। देखिए दोस्तों, अब हम इसे भी एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए दोस्तों, हम इसी तरह से सारे पिसे हुए मटर को सॉटे करने के बाद इस तरह से फ्राई पैन से खाली कर लेंगे। अब हम इसकी ग्रेवी रेडी करेंगे। ग्रेवी रेडी करने के लिए हमने एक पैन लिया है और इसमें अब हम ऑयल डालेंगे। हम इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल डालेंगे। अब हम हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे। दोस्तों ऐसी ही आसान और नई नई रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आप कोई भी हमारी न्यू रेसिपी मिस ना करें। अब हम इसमें डालेंगे तेज़पत्ता जो कि आसानी से मार्केट में आपको मिल जाएगा और जीरा। ये हर किसी की रसोई में अवेलेबल होने वाला है, एक कॉमन इंग्रेडिएंट है। हमने इसमें सारे इंग्रेडिएंट जो यूज़ किए हैं वो सभी की रसोई में आसानी से अवेलेबल होते हैं। अब हम इसमें डाल रहे हैं प्याज। हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे जिन्हें हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखा था। हम इसमें प्याज का वो पेस्ट डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट जो कि हमने रेडी करके रखा था। हमने इसमें 2 टीस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला है। अब हम इसमें डाल रहे हैं कसूरी मेथी। आप चाहें तो सीज़न के हिसाब से इसमें हरी मेथी भी यूज़ कर सकते हैं। और अब हमने इसमें डाला है गरम मसाला और अब हम इसमें डालेंगे नमक और इन सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
नमक आप स्वाद अनुसार डालें। हम इस तरह से कड़छी की हेल्प से सारे मसालों को प्याज के साथ मिक्स कर लेंगे और हम इसे कुछ देर ढककर भुनेंगे। देखिए दोस्तों, ढक्कन हटाने के बाद हमारा मसाला, हमारी ग्रेवी का जो प्रिपरेशन है वो कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब हम इसे फिर से ढककर भुनेंगे। हमें इसे ढककर ही भुनना है ताकि जो इसकी खुशबू है वो सब्जी के अंदर ही रहे, इसकी खुशबू बरकरार रहे, इसलिए हमें इसका जो मसाला है वो ढककर ही भुनना है। देखिए दोस्तों, इस तरह से हम चलाते हुए मसाला भुनेंगे। हमें 2 से 3 मिनट इसे ढककर भुनना है, फिर हमें इसे चलाना है, फिर हम इसे ढककर भुनेंगे। इसी तरह से हमें 5 से 7 मिनट हमारे मसाले को भुनना है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, हमने इसमें 1.5 टीस्पून करीब लाल मिर्च पाउडर डाला है और 1 टीस्पून हल्दी। आप मिर्च और नमक का टेस्ट आपके स्वाद अनुसार रख सकते हैं, आपको जितना डालना है। हमने इसमें डाली है 1/4 टीस्पून काली मिर्च बारीक कुटी हुई। और अब हम इसमें डालेंगे मलाई, हमने घर की फ्रेश मलाई यूज़ की है। फ्रेश मलाई से आपकी सब्जी का स्वाद बढ़ जाएगा, इसलिए आप फ्रेश मलाई ही यूज़ करें। हमने इसमें 2 टीस्पून मलाई डाली है। हम मलाई को मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल रहे हैं पिसे हुए टमाटर। हमने 3 से 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे जिसे हमने मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके रखा था और इसे हमने मसाले में डाल दिया है। अब हम इस मसाले को 5 से 7 मिनट और धीमी आंच पर भुनेंगे जब तक इसका ऑयल जो है वो ऊपर ना आ जाए। हम इस पर थोड़ा पानी डालेंगे ताकि ये नीचे से जले ना और हमारा मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। हम इसे कुछ देर ढककर भुनेंगे और फिर देखिए दोस्तों, हमारा मसाला बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है और अच्छी तरह से भुन गया है। लगभग इसका ऑयल जो है वो ऊपर आ गया है। ये बहुत ही करारी सब्जी हमारी बनने वाली है। और हमने इसमें डाला है पिसे हुए मटर जो हमने सॉटे करके रखे थे, वो हमने इसमें डाल दिए हैं और इसे हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। सारे मटर हम मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और फिर इसे 3 से 4 मिनट भुनेंगे। आप चाहें तो इसी तरह से इस सब्जी को बिना ग्रेवी बनाए भी यूज़ कर सकते हैं। आप पराठों के साथ इसे ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं। अब हम इसे ढककर भुनेंगे। 3 से 4 मिनट हमारे मटर मसाले के साथ भुनने के बाद हम इसमें डालेंगे पानी। हम इसमें गर्म किया हुआ पानी डालेंगे। अभी हमने इसमें 2 ग्लास के करीब पानी डालना है और पहले हम इसकी कंसिस्टेंसी चेक करेंगे कि हमारी सब्जी कितनी गाढ़ी या कितनी पतली है। देखिए दोस्तों, हम इस तरह से पानी के साथ मिक्स कर लेंगे। हमारी सब्जी उबलने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी, इसलिए हम इसमें पानी और डालेंगे। हम इसमें 1 ग्लास के करीब पानी और डालेंगे। आप दोस्तों आपकी कंसिस्टेंसी के अनुसार से पानी डालिए, जितना आपको गाढ़ी रखना है या पतली रखना है अपनी सब्जी को, उस हिसाब से आप इसमें पानी डालें। अब हम इसे ढककर उबाल लेंगे। देखिए दोस्तों, उबालने के बाद हमारी सब्जी कुछ इस तरह से दिख रही है। हमारी जो ग्रेवी है, जो हमारी तरी है सब्जी की, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं है और बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं है।
अब हम हमारी सब्जी को 4 से 5 मिनट इसी तरह से उबाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। 1 टीस्पून हमने गरम मसाला डाला और हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और तैयार है हमारी पिसे मटर की सब्जी, जिसे हम तंदूर की रोटी सलाद के साथ सर्व करेंगे। हमने इसे एक सुंदर से बाउल में सर्व किया है। देखिए दोस्तों, हमारी थाली कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। किसी का भी जल्दी से खाने का मन करेगा और हमारी सब्जी भी बनकर जल्दी से रेडी हो गई है। तो प्लीज़ दोस्तों, ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल पे ज़रूर जाइए, सारी वीडियोस देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सारी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।